आप सभी लोग, आशा करती हूँ आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। और स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सिंग इज किंग पर। तो आज वर्ल्ड हार्ट डे है, इसलिए आज का जो ब्लॉग है वो हमने हार्ट शेप से शुरू किया है। तो आज डेट है 29 सितंबर और डे है ट्यूसडे। तो चलिए आज का जो ब्लॉग है वो स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर मम्मी लगा रही है सुबह वाला झाड़ू और फिर उसके बाद लगा देगी मम्मी सुबह वाला पोछा। और मम्मी ने यहाँ पर चेंज कर दी है दोनों बेड्स की बेडशीट। ये बाहर वाले रूम की बेडशीट है, मम्मी ने चेंज कर दी है। और ये है अंदर वाले रूम की बेडशीट और ये चेंज कर दी है यहाँ पर। और आज सुबह के ब्रेकफास्ट में हम लोगों ने बनाई थी दाल चावल। पूरी रसोई हो चुकी है क्लीन, जितने भी बर्तन थे वो सारे धुल गए हैं और यहाँ पर पूरी रसोई अच्छे से सेट हो गई है, बस बर्तन जमाने बाकी हैं। और यहाँ पर अब मम्मी कर रही है अपने बाकी के काम। और आज मम्मी ने कपड़े हाथ से धोए हैं, तो यहाँ पर मम्मी कपड़े धो रही है अभी। और उसके बाद सारे कपड़े धुल गए हैं, इसलिए मम्मी ने इन सबको बाहर भी सुखा दिया है। अच्छी धूप है, ये अभी ही सूख जाएंगे थोड़ी देर में। और आज पापा लेकर आए थे हमारे आरओ का न्यू वाला फिल्टर, क्योंकि जो आरओ के अंदर जो फिल्टर होता है उसे हर 3 या 4 महीने में जो है वो चेंज करना पड़ता है। इसलिए पापा आज न्यू फिल्टर लेके आए थे आरओ का, इसलिए हमने सोचा कि हम आपको दिखा देते हैं। पर करण और आचल जा रहे हैं इवनिंग वॉक के लिए, ये इनका डेली रूटीन हो गया है अभी, रोज़ इवनिंग या मॉर्निंग वॉक के लिए लोग जाते ही जाते हैं। और मैंने कर दी है यहाँ पर शाम वाली पूजा और मम्मी ने लगा दी है शाम वाली यहाँ पर झाड़ू। और आज रात के खाने में हम लोग जो स्पेशल बनाने जा रहे हैं वो है मैचोस, यानी कि गेहूँ के आटे की पापड़ी। चलिए उसकी रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं। गेहूँ के आटे की पापड़ी यानी कि मैचोस बनाने के लिए यहाँ पर चाहिए 2 कटोरी गेहूँ का आटा। और अब हम डालेंगे इसमें 1 चम्मच नमक और अब हम डालेंगे इसमें 1 चम्मच भरकर जीरा पाउडर और अब डालेंगे हम इसमें 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और अब हम डालेंगे इसमें तेल। और तेल बिल्कुल 2 बड़े चम्मच आप क्वांटिटी के हिसाब से लें। और अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से तेल में मिक्स कर लेंगे और फिर इस आटे को गुनगुने पानी से जो है हमें अच्छा सा डो तैयार कर लेना है। तो इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर डो तैयार कर लेंगे अच्छे से। मम्मी बेल देगी इस आटे की बड़ी बड़ी रोटियाँ और जैसे कि बड़ी रोटी जो है बेल जाएगी तो मम्मी इसे ग्लास के जो
शार्प एजेस होते हैं गोल गोल, उससे काटेगी। और अगर आप चाहे तो आप किसी भी शेप के काट सकते हैं, आप कुकी कटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पास ये सब जो है अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए हम इसको ग्लास से ही काटेंगे। तो ये देखिए मम्मी जो है बिल्कुल बड़ी बड़ी रोटी बेल रही है, और हमें रोटी को बिल्कुल पतला बेलना है, ये आप ध्यान रखें खास करके। और हमने कढ़ाई में जो है तेल चढ़ाने रख दिया है, और तेल गर्म हो चुका है पूरा अच्छी तरह से। देखिए आप लोग देख सकते हैं ऐसी पतली पतली जो है हमें रोटियां बेलनी है, और अब हम इसे ग्लास की मदद से अच्छे से काट लेंगे। ये देखिए आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल गोल गोल शेप वाले हमारे जो पापड़ी है वो बनकर रेडी हो जाएंगी, और बाकी का आटा हम निकाल देंगे और उसको हम नेक्स्ट वाली लोई बनाने के लिए यूज करेंगे। ये देखिए इसे अभी हमें तेल में छोड़ देना है अच्छे से। और एक स्टेप मैं बताना स्किप कर गई थी, इसमें हमें जो है फोर्क की मदद से छेद करने हैं, नहीं तो ये पूरी जैसा फूल जाएगा। देखिए बिल्कुल गोल्डन गोल्डन ब्राउन हमारे मैचोस जो हैं वो बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए हमारे साथ ये टेस्टी टेस्टी मैचोस। प्रणाम जी, हमारे चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। साथियों, आज विश्व दिल दिवस है, इस अवसर पर मैं आप सभी एक छोटी सी विनती करना चाहता हूँ। साथियों, हमें किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना चाहिए। नशा हमारे दिल के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही नुकसानदायक है, और हम संकल्प लें और आने वाली पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा बने। आज से हम किसी भी प्रकार का नशा नहीं करेंगे और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखेंगे। और इसके साथ साथ मैं आपसे एक छोटी सी विनती और करना चाहता हूँ, अपने स्वास्थ्य के लिए अपने कीमती समय में से समय निकालकर हर रोज़ एक घंटा ज़रूर दीजिए, और सैर के लिए जाइए, योगा करिए, किसी भी प्रकार का आप परिश्रम करके हर रोज़ अपने शरीर को स्वस्थ रखिए, अपने दिल को स्वस्थ रखिए। आपका दिल स्वस्थ रहेगा, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, आपके विचार स्वस्थ रहेंगे, आपके विचार स्वस्थ रहेंगे तो हमारा समाज स्वस्थ रहेगा। आशा करता हूं कि आप मेरी इन लाइनों पर गौर करेंगे। राम राम। तो चलिए गाइस, आज की वाली वीडियो में इतना ही। अगर आपको आज वाली वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना, इससे आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। हम आशा करते हैं जो पापा ने अभी बोला आप उसका पालन करेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय।